दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेख गौस। दोस्तों अभी हूँ मैं भाई की महिंद्रा जीतो गाड़ी के साथ में, क्योंकि इसका जो अभी फर्स्ट सर्विस का टाइम है, तो फर्स्ट सर्विस कराने के लिए लेके हम मोहम्मद भाई के पास शोरूम पे नहीं गए। भाई की दुकान है मोहम्मद भाई की, इनके पास है फर्स्ट सर्विस करने के लिए, बताता हूँ मैं आपको अभी। दोस्तों ये रही भाई की महिंद्रा जीतो गाड़ी जो 7.5 फीट की है, इसका ही जो है फर्स्ट सर्विस का टाइम है। अभी 5000 किलोमीटर के ऊपर चली है गाड़ी, तो इसका ही जो फर्स्ट सर्विस कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों ये वही गाड़ी है जो शोरूम से लिए थे, तो इसका ही जो फर्स्ट सर्विस का टाइम आया अभी, तो फर्स्ट सर्विस करने के लिए ले गए इसका। अभी इसका किलोमीटर बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैं आ गया गाड़ी गन, और ये देखिए अभी इसका किलोमीटर, गाड़ी चली है 5088 किलोमीटर, और अभी टाइम जो है 3:54 हो रहे हैं, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी में, और गाड़ी चलने करने में सब मस्त है। अभी फर्स्ट सर्विस का टाइम है, तो हम शोरूम पर नहीं जा रहे सर्विस के लिए, दोस्त के पास ही करा रहे हैं। शोरूम पे इसलिए नहीं जा रहे, शोरूम पे जो है पूरा दिन चले जाता और बहुत टाइम लग जाता वहाँ पे, और बाहर जो काम होता है शोरूम पे भी वही काम होता है सेम। सिर्फ शोरूम पे इसलिए जाना है, शोरूम पे जो है गारंटी है बोल के जाना है, और गारंटी भी दोस्तों इस तरह से है, 2 साल 40,000 किलोमीटर की गारंटी है शोरूम पे। तो हमारी गाड़ी जो है 2 साल हो जाते मगर 40,000 किलोमीटर नहीं होते गाड़ी के, इसलिए जो है हम बाहर ही करा रहे हैं हमारे दोस्त के पास। बहुत शानदार मैकेनिक है, बहुत अच्छे मैकेनिक है। और दोस्तों स्पेशल महिंद्रा जीतो, अशोक लीलैंड, सुपरो गाड़ी और बोलेरो पिकअप, ये बेहतरीन गाड़ियों के मैकेनिक हैं, इन्होंने पूरे गाड़ियाँ बनाते हैं ऑलराउंड। महिंद्रा जीतो, अशोक लीलैंड, सुपरो गाड़ी, टाटा एस, जो भी है लोडिंग में, ये छोटे गाड़ियाँ पूरे गाड़ियाँ बनाते हैं, ऑलराउंड मैकेनिक है, परफेक्ट मैकेनिक है, और बहुत शानदार मैकेनिक है। जो फॉल्ट है वही फॉल्ट के ऊपर काम करते हैं, तो इन्हीं के पास आता हूँ मैं कभी भी कोई भी गाड़ी बनाना है। तो अभी भी मैं भाई की गाड़ी लेके यहीं पर आया इसकी फर्स्ट सर्विस करने के लिए, शोरूम पर नहीं गया। शोरूम पे इसलिए नहीं गया, शोरूम पे जो है शोरूम पे भी काम अच्छा होता है मगर शोरूम पे बहुत टाइम लगता है, और शोरूम पे जो काम होता है यहाँ पे भी वही काम होता है, तो इसलिए जो मैं भाई के पास आया। तो अभी देखिए इसकी फर्स्ट सर्विस करना है, और इसको फर्स्ट सर्विस को क्या क्या खर्चा आता है और कितने पैसे लगते फर्स्ट सर्विस को वही देखेंगे, और फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चेंज होता है वो भी देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको जो इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों अभी करते हैं इसकी फर्स्ट सर्विस। आए हुए हैं मोहम्मद भाई के कारखाने पे, और ये देखिए एक जीतो गाड़ी खड़ी हुई है, इसका जो है इंजन खोल दिया मोहम्मद भाई, इंजन का काम निकला गया था जीतो गाड़ी का, और अपने भाई की गाड़ी ये है। तो दोस्तों करेंगे फटाफट, देखेंगे क्या होता है। मोहम्मद भाई बहुत दिनों के बाद है, मोहम्मद भाई नहीं मैं आया बहुत दिनों के बाद। फर्स्ट सर्विस को क्या क्या लगता जी? खत्म आयल, ऑयल फिल्टर है। इसके इंजन में कितना आयल आता? इसमें 2 लीटर, 2 लीटर के ऊपर आता, 2.25 लीटर। और लिक्विड? लिक्विड किलोमीटर के ऊपर होता था, अब 10 लीटर पकड़ के चलो। 10 लीटर। तो दोस्तों ये है मोहम्मद भाई आर राउंड मैकेनिक, शानदार मैकेनिक है पूरे गाड़ियों के, आर राउंड मैकेनिक। तो दोस्तों इनके बोर्ड पे भी देख सकते हैं आप, इनके बोर्ड पे देखिए कितने गाड़ी है, सारे गाड़ियों के मैकेनिक है आर राउंड मैकेनिक मोहम्मद भाई। तो दोस्तों ये है लिक्विड, आप कितने लीटर आता है इसमें लिक्विड 5000 किलोमीटर पे? इनको जो एक्सपीरियंस है मैकेनिक का, कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ियां बनाने में। ये नया होना था, ये दिमाग खराब, ये खत्म होते की डालो, खत्म होती की डालो। सुपरो का एल चेंज का टाइम नहीं आया, लिक्विड खत्म हो गया, क्या करना। पानी के सर का है ये, अगर डालो ना को पानी अंदर, पानी नहीं डालना। अभी देखिए दोस्तों भाई सो के ऑयल निकाल रहे हैं, भाई निकल गया ऑयल। अब क्या कर रहे हैं? ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं। हाँ ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं। हाँ वीडियो चालू है सर, वीडियो बना रहा हूँ मैं। कितना निकला सर? पूरा निकला। देख तो भाई यहाँ सो के ऑयल निकाल रहे हैं, उधर भाई मोहम्मद भाई लिक्विड डाल रहे हैं। बहुत फास्ट सर्विस है भाई, आधे घंटे में खत्म गाड़ी की फर्स्ट सर्विस कंप्लीट। शोरूम पे गए तो 2 दिन बैठना पड़ता। ये अलग अलग डब्बे क्यों मंगाए उसमें डालने? 10 लीटर में नहीं मिला भाई। लगाओ ये लगाओ वो उसका है।
कितने लीटर के? 2 लीटर के। 10 लीटर हो गया क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा, तो 2 लीटर के भी डब्बे मिल रहे, बोलो ये डब्बे रख लेंगे फिर ना साथ में, कभी भी खत्म हो गया तो इमरजेंसी में काम में आता, डाल ले सकते। और ये पाइप एक बार यूज करके फिर सेकंड में यूज नहीं करना, अब इसको पानी में रखते रहना पाइप में। हां, इसके ऊपर पापड़ा जमा हो जाता है। अच्छा, फिर वो अंदर गया। तो दोस्तों एक लग गई 6 लीटर की बकेट और एक लग गया 2 लीटर, अब फिर डाल रहे 2 लीटर, 8 लीटर तो डाल दिया अभी तक, अभी 10 लीटर होता है ये डाले तो। हाँ, 10 लीटर में फुल हो गई उस्ताद, डालो डालो फुल करो जी। फिर हुआ? अरे नहीं हुआ कहते जी फुल। अरे हो गया शायद उस्ताद, हाँ 10 लीटर में भर गया है, 10 लीटर भी नहीं लगा, 9 लीटर बराबर। तो दोस्तों 9 लीटर लगा, 9 लीटर में टैंक फुल हो गई लिक्विड की, अभी होगा लिक्विड का काम खत्म। तो दोस्तों ये महिंद्रा का ओरिजिनल इंजन ऑयल, गियर ऑयल की जरूरत नहीं है, बोल रहे मोहम्मद भाई सेकंड सर्विस पे डालेंगे, बोल रहे सेकंड सर्विस पे डालना, थर्ड सर्विस पे गियर ऑयल। और ऑयल इतना ज्यादा इंजन में, कितने लीटर का है ये? 2 लीटर का जाए इसमें ऑयल। तुम्हारी गाड़ी में कितना था? 2 लीटर, महिंद्रा का ओरिजिनल इंजन ऑयल 2 लीटर ही आता कहते इंजन में। ये BS6 इंजन, कूलेंट 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 की जरूरत नहीं है, कूलेंट तो दिख रहा डब्बा भर के। मोहम्मद भाई लगा रहे हैं ऑयल फिल्टर और अभी डाल रहे हैं इसमें इंजन ऑयल 2 लीटर, और लिक्विड तो है गाड़ी में, और गियर ऑयल चेंज नहीं कर रहे, गियर ऑयल जो है थर्ड सर्विस पे चेंज करेंगे बोल रहे मोहम्मद भाई। लिक्विड भी डाल दिए, हो गई फर्स्ट सर्विस। शोरूम पे गए तो दिन चले जाता था और बिल भी लंबा बन जाता, शाम तक खाना पड़ता। ये है आई, तो दोस्तों गाड़ी में डल गया ऑयल भी, फिल्टर भी लग गया, कूलेंट भी डल गया। अब क्या मोहम्मद भाई? खत्म, एयर फिल्टर क्लीन करना है, खत्म हो गई फर्स्ट सर्विस। तो दोस्तों ये जीतो गाड़ी का एयर क्लीनर, एयर फिल्टर, ये कितने का है फिल्टर? हाँ ये सिक्स काफी है। दोस्तों इसका हेयर फिल्टर का जो है यहाँ पे, मेरी गाड़ी का जो उधर है, और साइलेंसर भी देखो इसका अलग है। साइलेंसर का खर्चा साइलेंसर को खाली साइलेंसर को 70 से 80 हजार रुपए साइलेंसर को खाली। तो तुम्हारे नज़र में गाड़ी BS4 अच्छी, BS6 अच्छी? BS4 अच्छी दोस्तों, BS4 अच्छी कहते मोहम्मद भाई बोल रहे हैं, BS4 ही अच्छी कहते, BS6 का मेंटेनेंस बहुत है बोल रहे हैं। क्या है कि अब तो हमारे पास नवी नवी गाड़ी है, देखेंगे क्या क्या होता। तो दोस्तों हो गई अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस फटाफट, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है सुप्रो में। हाँ मोहम्मद प्रॉब्लम आ रहा हो, चेक करेंगे अपने, जरा गाड़ी गई भी है, उसका ऑयल चेंज भी करना है एक साथ करेंगे। तो ऑयल चेंज करा लेके आ भी गया, और ऑयल चेंज करा के देखिए गाड़ी लोडिंग को भी लग गई, क्योंकि अर्जेंट माल पहुंचाना था, उसलिए जो फटाफट रियाज भाई और आजम भाई जो गाड़ी लेके आके लोडिंग को लग गए, और हम जो हिसाब किताब करके अभी। तो ऑयल चेंज को जो खर्चा है उसको 2200 रुपये आया, और 1950 रुपये जो है ऑयल चेंज का हुआ, ऑयल चेंज लिक्विड ऑयल फिल्टर
और मैकेनिक चार्ज हुआ 250 रुपये। तो दोस्तों फर्स्ट सर्विस को जो है इसको 2200 रुपये खर्चा आया। और आपको यही बताना था अपना जीतो गाड़ी BS6 का जो फर्स्ट सर्विस है उसको क्या खर्चा आता है। तो जीतो BS6 फर्स्ट सर्विस को जो है 2200 रुपये में जो फर्स्ट सर्विस हो गई जीतो गाड़ी की, महिंद्रा का ओरिजिनल ऑयल और 10 लीटर जो है लिक्विड आया, एक ऑयल फिल्टर चेंज हुआ। तो दोस्तों आपको यही बताना था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।